हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स ऑफ सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर वन जनरल पेपर और पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जा रहा है। दिसंबर 23 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको पेपर वन और टू का कंप्लीट सिलेबस कवरअप करवाया जाएगा, अलॉन्ग विद कंप्लीट नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, डेली क्विज कंडक्ट किया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है, हमने पेपर टू कॉमर्स से स्टार्ट किया, तो आज हम अपना कल पार्ट वन में, जिसमें पहले 30 क्वेश्चंस मैं करवा चुका था, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। 31st क्वेश्चन देखो, आधे हमने कर लिए थे, डायरेक्टली हम आते हैं 31st क्वेश्चन नंबर पे। हाँ देखो, 31st क्वेश्चन क्या कहता है, जो आपकी परचेजिंग पावर पेनिटी थ्योरी है, ठीक है, उसकी अजम्पशंस पूछी गई हैं, ठीक है, वो अजम्पशंस आपने चूज करके बतानी है कि कौन से बिल्कुल ठीक बैठती हैं, ठीक है। एक बार हम सारी अजम्पशंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी आती हैं। देखो, नो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज बिटवीन कंट्रीज, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ कमोडिटी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो, जो ये आपकी परचेजिंग पावर, ये बेसिकली पैरिटी नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, ये पैरिटी थ्योरी है, ठीक है। यहाँ पे ना पैरिटी कर लो, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर मैं आपको परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की कुछ अजम्पशंस बताऊं, तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, अगर आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और जो आपकी कोई, अगर आपने कमोडिटीज दो कंट्रीज के बीच में मूव करनी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, और आपकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती अगर आपने एक कमोडिटी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगी ऑप्शन नंबर सी, यानी ए, सी और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अरेंज करके बताओ, जो आपको ना नीचे ना स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, इन रिसोर्स टू डिसऑनरिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी जो आप स्टेप्स को फॉलो करते हो, जब आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, उनको आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करके बताना है। सो आप एक बार ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस में आता है नोटिंग, कंपनसेशन, प्रोटेस्टिंग, नोटिस ऑफ डिसऑनर और पेनालिटीज। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी कोई चीज़ डिसऑनर होती है, सबसे पहले उसका नोटिस निकाला जाता है। सो जो डी नंबर की ऑप्शन है, वो नंबर वन पे आनी चाहिए। अगर आप एक बार सारी ऑप्शंस को चेक करो, तो सिर्फ केवल ए ही ऑप्शन है जिसमें डी नंबर वन पे है, रेस्ट सभी में ही कुछ नहीं है। सो आप तीनों के तीनों को एलिमिनेट कर दो, और डायरेक्टली इसके एलिमिनेशन से आंसर में मेथड आ गया। सो नंबर वन आए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम ध्यान से देखें, तो पहले नोटिस दिया जाता है डिसऑनर का, फिर नोटिंग की जाती है नोटरी में जाके, फिर आप प्रोटेस्ट करोगे, फिर आपको कंपेंसेशन मिलेगी, और एट द एंड पेनालिटीज को लाई डाउन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33rd क्वेश्चन पे। उन्होंने क्या कहा था, अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब पता है, वो कह रहे थे आपको हमने 5 गुड्स दे दिए, इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, यानी जिन जिन की इनकम, सबसे कम इनकम इलास्टिसिटी है, लास्ट में सबसे ज़्यादा इनकम इलास्टिसिटी वाली गुड आएगी। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, तो हमारे पास नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स, नेसेसिटीज, लग्जरीज, इन्फीरियर और सर्विसेज हैं, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें, तो देखो, जो आपके इन्फीरियर गुड्स होते हैं, उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने नहीं, जो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमने इनकम इलास्टिसिटी डिमांड बिल्कुल एंड में देखना है कि ज़्यादा जहाँ पे होगी। सो जो आपके इन्फीरियर गुड्स हैं, इनकी कम होगी, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर तो शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि देखो इनकम इलास्टिसिटी बेसिकली ये बताती है, अगर आपकी इतने प्रोपोर्शनल इनकम चेंज हो रहे, तो उसके प्रोपोर्शनल आपकी डिमांड कितनी बढ़ेगी, या वाइस वर्सा। बट जो आपके इन्फीरियर गुड्स हैं, अगर आपकी इनकम ही इंक्रीज होगी, तो आप उनको क्यों परचेज करोगे, आप नॉर्मल गुड्स को परचेज करोगे। सो आप चेक कर सकते हो, जो ऑप्शन नंबर डी है वो नंबर वन पे आएगी, वो सिर्फ केवल ए और बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सी और डी को हम कर देते हैं डिलीट। सेकेंड फिर आएगा आपका, सबसे नंबर वन पे इन्फीरियर गुड्स आ गए, फिर आएंगी आपकी नेसेसिटीज। देखो, नेसेसिटीज की इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इन्फीरियर गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आप ध्यान से चेक करो, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिर्फ
जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें जो आपकी लग्जरीज है उनकी इनकम इलास्टिसिटी सेकंड नंबर पे नहीं आती। सो जो करेक्ट सीक्वेंस निकला वो क्या होगा, सबसे पहले इन्फीरियर गुड्स आएंगे, फिर आपकी नेसेसिटीज आएंगी, फिर आपके नॉर्मल कंजम्पशन गुड्स आएंगे, फिर आपकी सर्विसेज आएंगी और लास्ट में आएंगी आपके लग्जरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34th नंबर क्वेश्चन पे। 34th नंबर क्वेश्चन, एक लिस्ट दी थी उन्होंने, 80 कारनी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स एक तरफ और वेरिएबल्स लिस्ट टू में दूसरी तरफ दिए थे। वो कहते थे इसको मैच करके बताओ व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ध्यान से देखो, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। देखो, जो आपकी 80 कारनी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो मैच खाती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, यानी जो आपकी FDI ना वो डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ रिलेटेड है। जो आपकी पर्सनल इंटीग्रेशन है वो आपके इंटरनेशनल टूरिज्म और ट्रैवल के साथ रिलेटेड है। जो आपकी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो आपके इंटरनेट यूजर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओवर इंटरनेट यूज़ की जाती है, उसके साथ रिलेटेड है। और जो आपकी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है वो रेक्टिफिकेशन और मल्टीलेटरल ट्रेड्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन देखो। 35th क्वेश्चन में उन्होंने आपको लिस्ट दी है, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उनके पर्पस एप्लीकेबिलिटी दी है। ठीक है, मैं एक बार आपके सामने 35th क्वेश्चन ला देता हूँ। उन्होंने 35th का अगर आप ध्यान से देखो, देखो उन्होंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट और मटेरियलिटी, पर्पस क्या है, द सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, रिलेट टू रिलेटिव साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट, एन इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर फर्म्स अंडरगोइंग बैंकरप्सी, नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर, ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सिंपल ये कहता है, सेम अकाउंटिंग नहीं, जो आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है बी का, वो सीधी सीधा ये कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है, सो बी का वन होगा। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखोगे ना, सारी ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का वन है जो करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड हुआ हमारा इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन फॉर फर्म अंडरगोइंग बैंकरप्सी, और जो बी कंसिस्टेंसी वो मैंने आपको बता दिया, जो सी है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है, यानी आपका जो नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर एसेट्स हो गया, जो आपका सी कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, और जो आपका मटेरियलिटी है वो आपका रिलेट टू रिलेटिव साइज और इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36th नंबर क्वेश्चन पे। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आया है, आपको स्केड्यूल्स दिए हुए हैं कंपनी सेट के 1, 2, 3, 4, उनकी अंडरलाइन थीम्स दिए हुए हैं, आपको मैच करके बताना है सो कौन सा किसके साथ मैच खाता है। ठीक है, 36th अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका ई है, लाइक स्केड्यूल नंबर 1 है, वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होता है। अगर आपको मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, इसमें जो आपका स्केड्यूल नंबर 3 है सबसे इजी वो है। देखो, जो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो स्केड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग होती है। सो आप ध्यान से देखो, सी का इट विल बी 4th। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपके सी और डी ऑप्शन में सी का गलत दिया, उनको आप कर दो एलिमिनेट, और जो आपकी सी ए बी ऑप्शन है उनमें से आपके दो तो हो गए हैं। ठीक है, जो आपका स्केड्यूल नंबर 2 है दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, बचा कौन सा फिर आपका ऑटोमेटिकली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और जो आपका स्केड्यूल नंबर 4 है वो है आपका जो कोड होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं 37th क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, जब एक माइनर जो जब आपका एक माइनर के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, जब वो मेजॉरिटी की एज को अटेन कर लेता है तो वो क्या होता है। तो अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखो, या आपने जो माइनर का एग्रीमेंट है उसको रेटिफाइड किया जा सकता है, उसके द्वारा उसको हम रेटिफाई नहीं कर सकता, वो अपने द्वारा वो वॉइड होगा या वैलिड होगा। सो देखो, जब माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो उसने ये जो मेच्योरिटी अचीव कर ली, तो तब जो वो एग्रीमेंट है वो डैट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम, यानी वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 38th पे चलते हैं। 38th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहते हैं, फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू Which are part of environmental audit? वो कहते हैं अगर हम operational point of view से देखें तो इनमें से कौन सी चीज़ें environmental audit का part हैं। So अगर आप ध्यान से options को study करो
तो देखो इन्वायरमेंटल ऑडिट मतलब इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट तो पक्का ही आएगा, क्योंकि नाम ही बता रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम चेक करें तो सिर्फ हमारी ऑप्शन नंबर बी और डी में अवेलेबल है ए ऑप्शन, सो ए और सी को कर देते हैं एलिमिनेट। अब सोशल ऑडिट का तो इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी सोशल तो सोसाइटल वे में होता है, उसका इन्वायरमेंट से क्यों लेना। सो जो आपकी बी ऑप्शन वो तो है ही नहीं है। कॉम्प्लायंस ऑडिट होता है, आपको कॉम्प्लाई करना पड़ता है रेगुलेशन से, इन्वायरमेंटल से, जो आपने की है या नहीं होती ये आपको ये बताएगा। सो सी ऑप्शन का होना जरूरी है। सो सी ऑप्शन सिर्फ केवल बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो हम डी को भी कर देते हैं एलिमिनेट। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट हो गया, कॉम्प्लायंस ऑडिट हो गया और साइट प्रॉपर्टी ऑडिट हो गया। यानी ये तीन इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है जो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं, यानी जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, जो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट चलते हैं 39th क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉक्स प्लॉट, यानी एक बॉक्स प्लॉट ये ग्राफिकल समरी है जो मेजर करती है डाटा को, डैट डिस्प्लेस। अब बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल समरी मेजर्स ऑफ डाटा डैट डिस्प्लेस। अब ध्यान से ऑप्शंस में मीन, क्यू, मीडियन, क्यूएस और मॉड। ठीक है, सो हम इसका देखते हैं व्हाट विल बी द क्वार्टाइल मीडियन। ठीक है, सो 39th का अगर आप ध्यान से देखो, एक बार ऑप्शंस को आप स्टडी करो, देखो जो आपका बॉक्स प्लॉट है ये आपका क्यू, मीडियन और क्यूएस ये तीनों को डिस्प्ले करती है। सो ये तीनों ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही अवेलेबल है, सो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप 40th क्वेश्चन अपना 39th हो गया, 40th क्वेश्चन को रीड करो। 40th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। सो 40th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, जो आपका 40th क्वेश्चन है, हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट लेबर वॉज द फादर ऑफ वेल्थ एंड इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेट ऑफ नेशनल वेल्थ। अब वो कहते हैं किसके अकॉर्डिंग जो आपका लेबर होती है वो फादर है वेल्थ की और इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए जब आप नेशनल वेल्थ को एस्टिमेट कर रहे हो। देखो जो आपका विलियम पैटी था उसने ये ओपिनियन दी थी, यानी विलियम पैटी के अनुसार जो आपकी लेबर है ना वो ही आपकी फादर है वेल्थ की, जितनी लेबर करोगे उतनी वेल्थ कमा पाओगे, सो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपने नेशनल वेल्थ को एस्टिमेट करना है। ठीक है, सो 40th का बी नंबर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 41st क्वेश्चन पे। वो कहता है जो आपका परसेप्शन का प्रोसेस है उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो जब आप स्टिमुली की सिलेक्शन करते हो वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, इनमें से चूज करके बताओ। देखो आप कितना फैमिलियर हैं, क्या आप एक्सटर्नल रेपिटेशन कर रहे हैं, क्या आप जो स्टिमुली सिलेक्ट कर रहे हो वो पहली बार कर रहे हैं, नोवेल्टी है। सो ये तीन तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो बचा क्या, एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस नहीं करता बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। अब जो मैंने आपको तीन फैमिलैरिटी, रेपिटेशन और नॉवेल्टी बिठाएंगे, तीनों एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बाहर वाले जो एक्सपीरियंस है वो आपका इंटरनल होता है। सो ठीक है, सो ऑड वन आउट में ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो जो कॉलिंस है उसने सजेस्ट किया, एज सजेस्टेड बाय कॉलिंस, आपको कुछ लीडर, आपको ना नीचे लीडरशिप के लेवल्स दिए हुए हैं, आपको उसको सीक्वेंशियल हायर ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले कौन सा आएगा और हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा। सो ध्यान से स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा, लीडर इज कॉम्पिटेंट मैनेजर, लीडर इज एग्जीक्यूटिव, लीडर इज हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, लीडर इज इफेक्टिव लीडर, लीडर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर। सो देखो सबसे पहले लीडर एक हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होता है, सो सी ऑप्शन
नंबर वन पे आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन हमारी आंसर से डिलीट कर देते हैं आप, ठीक है। आगे देखो, सेकंड नंबर पे जो आपका लीडर है वो एक कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर होगा, यानी पहले वो हाईली कैपेबल इंडिविजुअल होगा, फिर वो कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर होगा, यानी ई ऑप्शन सिर्फ केवल, अब सी ऑप्शन आप डिलीट कर दो क्योंकि उसमें ये ऑप्शन नंबर टू पे नहीं आ रही। तीसरा, लीडर इज अ कॉम्पिटेंट मैनेजर, ठीक है। चौथा जो आएगा वो है लीडर इज एन अफेक्टिव लीडर, और लास्ट में जो लीडर है वो एक एग्जेक्टिव है। सो ऑप्शन नंबर बी सी ई ए डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो कॉलिंस के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप लेवल्स, अगर सीक्वेंशली उसको हायर ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो लीडर है पहले वो खुद कैपेबल इंडिविजुअल होगा, फिर वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर होगा, फिर वो कॉम्पिटेंट मैनेजर होगा, फिर वो एक अफेक्टिव लीडर होगा, और लास्ट में वो एक हायर लेवल पे एग्जेक्टिव होगा, क्योंकि एग्जेक्टिव की पोजीशन सबसे ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट 43rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट यूजली इज यूजली लार्जर देन द इनकम अफेक्ट इन रियल वर्ल्ड बिकॉज। देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो दो अफेक्ट्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक आपका इनकम अफेक्ट होता है। नो डाउट हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट बड़ा होता है इनकम अफेक्ट में, बट रियल वर्ल्ड में ये कब होगा। देखो रियल वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट लार्जर तब होगा इनकम अफेक्ट से जब जो कंज्यूमर्स हैं वो यूजली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम किसी एक कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44th नंबर क्वेश्चन पे। बाकी भी आप एक बार ऑप्शन देख लिया करो, बाकी इतनी रेलेवेंट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट तब ही लार्जर होता है इनकम अफेक्ट से जब रियल वर्ल्ड में जब जो स्मॉलर इनकम की मतलब स्मॉलर प्रमोशन अपनी इनकम की कंज्यूमर एक कमोडिटी पे स्पेंड करता है, ठीक है। 44th क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियन। देखो इनमें से कौन सा तीन कंट्रीज का ग्रुप है जो मेंबर है एशियन का। देखो जैसे नेफ्टा सेम तरीके से एशियन है, सो जो एशियन है उसमें लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई ये तीन कंट्रीज हैं जिनका ग्रुप एशियन का मेंबर है, ठीक है। 45th क्वेश्चन पे चलते हैं। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सी वैल्यू ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। देखो ओपननेस, प्रोएक्टिविटी और अटोनमी, ये तीनों तो आपके ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क का मेंबर है, बची क्या एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑक्टा पेस फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, देखो जब आप एक इनकम जो आपके माइनर चाइल्ड की इनकम है, ठीक है, उसको क्लब किया जाता है किसी भी मदर या फादर की इनकम में, तो कितनी डिडक्शन उनको मदर या फादर को अलाउड है। बड़ा सिंपल है, दैट इज ऑप्शन, इसका अगर ध्यान से ऑप्शंस देखो तो सिर्फ मैक्स 1500 की आपको डिडक्शन अलाउड है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 47th क्या कह रहा है, 47th क्वेश्चन अगर ध्यान से आप रीड करो, फॉर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, फॉर कस्टमर्स विच आर द एरियाज ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्स। अगर हम कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन से एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न्स होंगे कौन से एरियाज में। देखो प्रोडक्ट की सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट है, सो ये तो पक्का होगा ही होगा। सो अगर आप देख सकें तो ऑप्शन नंबर ए और बी को आप कर दो डिलीट, बची कौन सी सी और डी। फेयर प्राइस, ऑब्वियस बात है कस्टमर का स्टेक ही फेयर प्राइस में होता है, सो बी भी होगा। सो इन शॉर्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है डैट विल बी डी, जिसमें ये दोनों अवेलेबल है ए बी और लास्ट में प्रॉपर डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। सो 47th का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वो क्या कह रहे हैं 48th क्वेश्चन में, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट। इनमें से कौन से मार्केट स्ट्रक्चर्स में प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हैं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, ठीक है। सो आप अगर ध्यान से देखो, देखो जो आपका सिंपल फंड है, एलिमिनेशन मेथड में केवल हम ये पॉजिटिव चीज़ें नहीं यूज़ करते, हम उसको इग्नोर करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं।
देखो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड नहीं होते। सो जिस जिसमें ऑप्शन ए अवेलेबल है वो तो आप सीधा ही डिलीट कर दो। सो यानी ऑप्शन नंबर ए भी डिलीट कर देते हैं, डी भी डिलीट कर देते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी केवल सिर्फ आपकी बी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो वो ही करेक्ट आंसर है। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली और ड्यूओपॉली, ये तीन ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, 49th नंबर क्वेश्चन। दो लिस्ट दी हुई है उन्होंने आपको, लिस्ट वन में आपको मोटिव दिया हुआ ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक अचीवमेंट हो गया, कंट्रोल, एक्सटेंशन, डिपेंडेंसी। लिस्ट टू में करेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, ठीक है, और वो कहते हैं चूज करके बताओ कि कौन सी आपकी ऑप्शन मैच खाती है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखो, देखो जो आपका लाइक अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट कंसर्न है अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अगर आप कुछ अचीव करोगे वो आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट है। सो ए का थर्ड विल बी द करेक्ट, ठीक है। अगर हम अपनी ऑप्शंस को स्टडी करें तो ए का थर्ड सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में और डी में अवेलेबल है। अब अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को देखें तो बी का ऑब्वियस बात है फोर ही होगा, कंट्रोल डैट इज कंसर्न फॉर ऑर्डरलीनेस, ये तो ऑब्वियस है। सी का ध्यान से देखो, एक्सटेंशन, देखो एक्सटेंशन इज कंसर्न फॉर अदर्स, यानी सी का होगा वन। सो अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और बची जो डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का कंसर्न फॉर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, एक मिनट रुको, वेट करो। ए का हमने, ठीक है, बी का कंट्रोल हो गया, सी का वन, हाँ डी जो आपका ना मैंने बोलने में कह दिया, जो अचीवमेंट है ना बेसिकली वो आपका कंसर्न फॉर एक्सीलेंस, यानी अचीवमेंट मतलब आपने कुछ अचीव करना है, ठीक है, एक्सीलेंट। यानी ए का थ्री, मैं वैसे थ्री सही बोल दी ऑप्शन, बट बोलने में वो मैं आपका सेल्फ डेवलपमेंट कह गया, अचीवमेंट, एक्सीलेंस, और जो आपका डिपेंडेंसी है वो आ गई आपकी ऑप्शन नंबर टू, डैट इज कंसर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन पे। देखो 50th क्वेश्चन में वो कहते हैं अ पॉइंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन, जो आपका पॉइंट एस्टिमेटर है वो कंसिस्टेंट तब होगा जब इट टेंड टू बिकम क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर एज अ सैंपल साइज बिकम लार्जर। यानी देखो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, जो आपका उसका पॉपुलेशन पैरामीटर है वो उसके, मतलब जो आपका सैंपल है, जो उसका पैरामीटर है, जो आपका पॉइंट एस्टिमेटर आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोजर जाता जाएगा। इन शॉर्ट सैंपल और जो आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, तब पॉइंट एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप आओ क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली अपने 52 पे, प्रैक्टिकल्स हम बाद में करेंगे इकट्ठे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, द डॉक्ट्राइन ऑफ कवीट एमटर अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। सिंपल है, ये तो आपको पता है कवीट एमटर क्या कहती है, लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। सो अगर आप देखो इनमें से आपको सिचुएशंस दी हैं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड अंडर इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, व्हेन द बायर डज नॉट इंटीमेट द पर्पस टू द सेलर एंड डिपेंड्स अपॉन हिज ओन स्किल एंड जजमेंट। बहुत क्लियर है, डायरेक्टली आपको पता ही है कवी टेम्प्टर क्या कहता है, लेट द बायर बिहेवियर। सो जब बायर को आप इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देते, सेलर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता और वो उसकी अपनी स्किल और जजमेंट पे डिपेंड करता है परचेज करना, सो 52 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 53rd नंबर क्वेश्चन पे। इन टोटलिटेरियनिज्म, जिसको हम अथॉरिटेरियनिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है डैट इज सबॉर्डिनेटेड टू पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टेट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। यानी उन्होंने आपको टोटलिटेरियनिज्म का मतलब बता दिया, उसे अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। वो कहते हैं इनमें से जो इंडिविजुअल फ्रीडम है जिसमें आप जिसको डैट इज सबॉर्डिनेटेड टू पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ ग्रुप और स्पोर्ट, ठीक है, वो इनमें से कौन सी उसके टाइप नहीं है। सो अगर देखा जाए डायरेक्टली इसका तो ऑब्जर्वेशन के ही पता चलता है। देखो
थियोक्रेटिक, राइट विंग और ट्राइबल तीनों उसकी टाइप्स है, सिर्फ कंजर्वेटिव एक ऐसी चीज है जो उसकी टाइप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 54th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट वन में आपको मैचिंग दी हुई है, आपको टेक्निक्स दी हुई है, पूलिंग, फाइनेंशियल हैज, नेचुरल हैज, नेटिंग, और लिस्ट टू में उनके फीचर्स दिए गए हैं, तो सो यू हैव टू मैच। 54th है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम नेटिंग और नेचुरल हैज की एक बार ना हम लिस्ट टू में फीचर्स देखते हैं, वो कहते हैं सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन नंबर ऑफ कंट्री, रिडक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग, साइमल्टेनियस बोरिंग एंड लैंडिंग इन टू डिफरेंट करेंसीज, होल्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ कैश बाय एफिलिएट्स। बड़ा सिंपल है, देखो जो नेचुरल हैज होता है ना, यानी जो आपका जो नेचुरल हैज छोड़ो, उससे भी आपको ईजी बताता हूं। जो आपका, ध्यान से सुनो, इनमें ना बहुत माइनर माइनर फर्क है, पूलिंग, फाइनेंशियल है, नेचुरल है और नेटिंग में, ठीक है। जो आपकी पूलिंग है, जब आप होल्ड करते हो और मैनेज करते हो कैश को, जो आपके एफिलिएट्स का है, यानी अपने अपने बंदे अंदर है, आपके एफिलिएट्स हैं, वो आपको कैश देते रहते, आप उसको होल्ड करते हो, मैनेज करते हो। सो जो पूलिंग है, उसका फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ केवल ऑप्शन नंबर बी और सी में फोर्थ अवेलेबल है। अब आते हैं बी पे, फाइनेंशियल हैज। देखो फाइनेंशियल हैज तब होता है जब आप साइमल्टेनियस बोरिंग करते हो, लैंडिंग करते हो दो डिफरेंट कंट्रेंसीज में। सो बी का थ्री सिर्फ केवल बी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर निकला वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का फोर, बी का थ्री, सी का जो नेचुरल हैज है, यानी आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज अलग अलग कंट्रीज में सेट करते हो, और जो आपकी नेटिंग है उसमें आप क्या करते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस कर देते हो थ्रू लीडिंग एंड लैगिंग, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं 55th क्वेश्चन पे। 55th क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी सेल्स स्टेप इन विच अ सेल्स पर्सन लर्न्स एज मच एज पॉसिबल अबाउट अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बिफोर मेकिंग अ सेल्स कॉल इज नोन एज। यानी कि ये वो अप्रोच का आप नाम बताओ जिसमें सेल्स पर्सन सबसे पहले खुद जानता है उसके कस्टमर के बारे में, उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल में सर्च करता है, फिर उसको कॉल करता है। देखो जब आप किसी चीज़ को छानते हो, सर्च करते हो उसके रिगार्डिंग, यानी आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो। सो ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पेक्टिंग विल बी द करेक्ट, नहीं प्रोस्पेक्टिंग नहीं, प्री अप्रोच, सॉरी। ध्यान से देखो, प्रोस्पेक्टिंग होता है सर्च करना, यानी उन्होंने कहा सर्च करके नॉलेज इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, इन्फॉर्मेशन निकाल के वो मतलब पहले लर्न कर रहा है कि उसका कस्टमर है क्या। सो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा प्री अप्रोच, यानी अप्रोच करने से पहले जो सारे काम किए जाते हैं। अगर ये यहीं पे एंड हो जाता है कि उसने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई है बट उनको लर्न किया, वो प्रोस्पेक्टिंग होगा, ठीक है, समझ गए। सो 55th का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे 56th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the interventions can be used to manage the anxiety created by mergers and acquisitions? आप इनमें से कौन सी interventions को use कर सकते हो जो अगर आपने अपने mergers और acquisitions किए हैं उससे anxiety create होगी और की organization की, उसको manage करने के लिए कौन कौन सी आप options को use कर सकते हो, ठीक है। So इसको ध्यान से देखो, पहले ना हम सारी एक बार options read कर लेते हैं। देखो speed up of the integration process, आर्टिकुलेट अ न्यू विजन, कॉमन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सिंबल, एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, डिसइंगेज एफर्ट्स सच एज टर्मिनेशन सेरेमनीज, सोशल सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, फ्रेंड्स, सुपरवाइजर्स एंड कोवर्स। बेहद सिंपल है। देखो जब मर्जर्स और एक्विशंस होते हैं, एम्प्लॉयज हिल जाते हैं, सो उनको काउंसलिंग की और स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। सो सी ऑप्शन तो होनी ही चाहिए। सो सी ऑप्शन डी में अवेलेबल नहीं है, सो डिलीट को कर दो, एलिमिनेट। हर एक बंदे को सोशल सपोर्ट चाहिए, स्पाउस से, फ्रेंड से, सुपरवाइजर से, कोवर्कर से। सो ई ऑप्शन का होना भी ज़रूरी है। सो ई ऑप्शन सिर्फ केवल सी में अवेलेबल है, ए और बी को भी डिलीट कर दो। सो करेक्ट आंसर क्या निकला, ए, सी एंड ई, यानी ए, यानी स्पीड, आप तीसरा होगा स्पीड अप कर सकते हो इंटीग्रेशन प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57th क्वेश्चन पे। देखो 57th क्वेश्चन, which one of the following normative ethical theories has
नेट बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन एज कॉन्सिडरेशन इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। इनमें से कौन सी ऐसी नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी है जिसमें नेट बेनिफिट फ्रॉम डिसीजन एक कंसिडरेशन मानी गई है एथिकल डिसीजन मेकिंग में। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो एक यूटिलिटेरियनिज्म ही ऐसी एथिकल डिसीजन मेकिंग थ्योरी है जिसमें नेट बेनिफिट को एज अ कंसिडरेशन माना गया है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 57th क्वेश्चन। आगे 58th क्वेश्चन पे आते हैं। दी प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट बाय द फर्म एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट That would allow the firm to maximize total profit at that price is called। यानी ये वो कौन सी प्राइजिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें पहले प्राइस सेट किया जाता है, फिर वो प्राइस इंकरेज करता है कि वो जो आपका प्रोड्यूसर है वो उस प्राइस पे आके इस तरीके से अपना प्रोडक्ट का प्राइस सेट करे ताकि उसके टोटल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। सो जो प्रेस्टीज प्राइजिंग का इसके साथ कोई लेना देना नहीं, वैल्यू प्राइजिंग का, प्राइस मैचिंग का कोई लेना। सो ऑप्शन यानी इट इज़ द प्राइस लाइनिंग पॉलिसी। पहले एक लाइन बना दी जाती है, प्राइस डिसाइड ऑन कर लिया जाता है, फिर ट्राई किया जाता है जितना हो सके उससे कम में सेट किया जा सके, तभी आप अपने टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। सो 58 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 59th क्वेश्चन पे। दी कॉम्पिटिशन एक्ट 2023 रिवैम द कॉम्पिटिशन एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग परस्पेक्टिव। जो आपका कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है उसने कंपटीशन एक्ट को अकेले को ख़त्म किया है, वो कौन कौन सी चीज़ों को ख़त्म किया गया है, ठीक है। सो ये ध्यान से अगर आप देखो, जो CCI नीड्स टू बी इंटीमेटेड इफ द वैल्यू ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन डी एक्सीड्स 2000 करोड़, बिल्कुल करेक्ट था। आपको जो आपका CCI है उसको, मतलब आपको कॉम्पिटिशन कमेटी को बताना पड़ता था कि अगर आपके मर्जर और एक्विजिशन डील 2000 करोड़ को एक्सीड करती है, जो ओवरऑल टाइमलाइन थी असेसमेंट के लिए कॉम्बिनेशन की, वो उसको 150 दिन से रिड्यूस करके वो 150 दिन तक ले आए या 210 दिन से रिड्यूस करके आपको एक्सक्लूसिव सेलिंग एग्रीमेंट्स को रिप्लेस कर दिया गया एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट से। एंटिटीज जो इंगेज नहीं है आइडेंटिकल और सिमिलर ट्रेड में, उनको एक पार्ट बनना पड़ेगा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के एक्ट के अंदर। जो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है, लाइक जो आपके टाई अप अरेंजमेंट्स हैं, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, उनको रीडिफाइन कर दिया। सो सारी पांचों की पांचों ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंटरवेंशन करेंसी। इनमें से कौन सी चीज इंटरवेंशन करेंसी को डिस्क्राइब कर रही है। जो करेंसी, द करेंसी इन विच एक्सपोर्टर चूज टू इनवॉइस द एक्सपोर्ट्स, द करेंसी इन विच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स आर पेड फॉर एंड क्लोज, द करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड या व्हीकल करेंसी। देखो, जो आपकी इंटरवेंशन करेंसी होती है, बेसिकली जो करेंसी, द करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच अ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड, यानी दैट इज कॉल्ड द इंटरवेंशन करेंसी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन करते हैं वाइंड अप, कल फिर मिलते हैं। अब इस सीरीज़ को हम डेली कंटिन्यू करेंगे, 30-30 क्वेश्चंस करो बट बहुत अच्छे से करो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।